क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है पीएम बनने के लिए, तो ऑप्शन में तो नरेंद्र मोदी है। मोदी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार प्रबल है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मतलब बहन बेटियां रात को 11-11 बजे रोड पे घूमती, वो दिक्कत नहीं है। अपने मन से कह रहे साहब मोदी आएंगे। किसान को भी किसान सम्मान निधि दी है, किसानों को सम्मान निधि है, वो 6,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने जहाँ जहाँ की समस्याएं किसानों की हो या जवानों की हो वो तुरंत लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्रिटिसाइज करते, वो इसी में लगे हुए क्योंकि उनको दिमाग नहीं है। उस पर काफी अच्छा काम किया यूपी में, तो आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कितनी खराब सिचुएशन थी और अब कितना अच्छा सिचुएशन हो गया योगी जी ने जो इम्प्रूव करी। राहुल गांधी अभी वो नेता बनने लगे नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? वो उनमें कोई मतलब कोई खूबी नहीं दिखती मुझे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री बनने लायक भी, वो सभासद भी नहीं बन सकते हैं। अच्छा, सभासद भी नहीं बन सकते। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप राघव, आज हम फिरोजाबाद जिले के टूडला कस्बे में हैं। इस बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मैं लोगों से जानूंगा इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। यहाँ मेरे साथ युवा खड़े हुए हैं, भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। इस बार आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? अब देखिए, इस समय हवा तो मोदी जी की चल रही है, लेकिन गौरतलब है कि इस बार टक्कर काफ़ी हैवी होने वाली है। राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते? भैया राहुल गांधी जो है एक मतलब युवा नेता तो हैं, लेकिन वो किसी विकास की रफ्तार उसकी बात नहीं करते। तो उनके साथ अखिलेश यादव भी आ गए हैं, तो हाँ, इस बार आपको क्या दिख रहा है? अखिलेश यादव का भैया उनका भी एक विजन अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो जो विजन इस समय मोदी विजन चल रहा है वो टेम्प्रेरी नहीं है, वो एक परमानेंट वे में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब भैया जिसकी जैसी राय। क्या विकास किया था उन्होंने? किसने? सरकार ने। मोदी सरकार का विकास तो भैया आमजन को दिख भी रहा है। आप ये स्टेशन को ही देख लीजिए जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं। आप अभी स्मार्ट सिटी की तरफ काफ़ी कदम बढ़े हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार द्वारा करी जा रही हैं, राशन है, वन नेशन वन पॉलिसी, काफ़ी चीज़ें हैं। और बस ये योजनाएँ धरातल पर अभी नहीं है, काफ़ी योजना धरातल पर। पक्का कह रहे हो कि मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? भैया मेरे कहने से नहीं होता, लेकिन मेरा वोट तो मोदी को जाने वाला है। भैया आपका क्या नाम है? कमल नाम है। अच्छा, इस बार आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहते हो? शांति से बैठे हुए या कोई उधम बाजी नहीं है, कोई भगदड़ ना मच रही आ रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी आ रहे हैं इस बार? नहीं, मोदी आएंगे। मोदी क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है मोदी? मोदी में बहुत बधाई है, गरीब आदमी है, मकान बनवा दिए, सब काम करवा दिए। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार प्रबल है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मतलब बहन बेटियाँ रात को 11-11 बजे रोड पर घूमती, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार में बहन बेटियों सर, इस बार आप पक्का यकीन से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? और मेरे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, मैं बाबा भी बैठे हुए, बाबा से जानूंगा कि इस बार किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है आप उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? विकास किया है, काम भी किया है। विपक्ष उन पर आरोप लगाता है कि उनकी सरकार में तमाम भ्रष्टाचार पनप रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो अपना एक विपक्ष की वो राजनीति होती है, तो लोग कहते हैं, लेकिन विकास भी। आप अपने मन से कह रहे हो साहब मोदी आएंगे? किसान को भी किसान सम्मान निधि दी है, किसानों को सम्मान निधि दी है, वो 6,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपए कर दी गई है, बहुत अच्छी बात है। और विकास किया है। और क्या विकास किया है? किसानों के लिए विकास ही विकास है, ट्यूबवेल के बिल भी माफ़ कर दिए हैं उन्होंने। अच्छा अच्छा, तो इस बार यहाँ कैसा समीकरण रहेगा फिरोजाबाद जिले में? अच्छा रहेगा वैसे, लोगों की राय है कि इस बार अच्छे यादव। नहीं, मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकता हूँ, वैसे जो है कि विकास तो मोदी ने कराया है। या मेरे साथ एक बाबा और बैठे हैं, इनसे भी जानूंगा। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्म सिंह बघेल है। अच्छा, बाबा लड्डू का रहने वाला हूँ और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी साख ये भारत ही नहीं विदेशों में बढ़ाई है, और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा, कई ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जैसे स्त्रियों को हक दिलाना, स्त्रियों को लाना, और कई विशेष कार्य किए उन्होंने। जहाँ जहाँ की समस्याएं किसानों की हो या जवानों की हो वो तुरंत लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्रिटिसाइज करते, वो इसी में लगे हुए क्योंकि उनको दिमाग नहीं है, बेदिमाग की बातें करती हैं। अरे दिमाग की बात कर रहे हो राहुल गांधी से? आप दिमाग की बात क्यों कर रहे हो राहुल गांधी से? क्योंकि लोग तो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, युवा हैं वो। नहीं 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 नहीं, युवा होते हुए इस देश के अंदर एक सबसे बड़ी बुराई है कि वंश परंपरा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वही अगर क्या ये कोई नौकरी है, तुम कोई और भी तो कार्य कर सकते हो, क्या केवल राजनीति रह गई है कि वो जो जिस वंश का हो वो उसी वंश में, मतलब वही परंपरा पड़े? नहीं, इस बार अखिलेश यादव ने भी उनके साथ गठबंधन कर लिया, इसको क्या लग रहा है? इससे कुछ ना कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना है,
क्योंकि इन पर केवल एक समुदाय है और आज और में ला लो डेढ़ समुदाय है वादवांगी तो उस हिसाब से आएंगे क्या जैसे कहीं की टिकट दे दी किसी और भी कम्युनिटी को। विपक्ष आरोप ला रहा कि भाजपा सरकार में तमाम भ्रष्टाचार पनप रहा है। नहीं नहीं कोई कहीं नहीं है ऐसा तो है और हर सरकार जो भी सरकार आई और गई उनमें ये तो विपक्ष का काम है कहना ये भी आएंगे ये भी ऐसा ही कहेंगे प्रत्यारोप लगते हैं फिर विपक्ष का आएगा लेकिन संतुष्ट है मोदी आएंगे रमजानी। अच्छा इस बार आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? हमें सुगम शांति वाला चाहिए और क्या चाहिए भैया? किसको देखना चाहते हो? नाम भी तो होगा नाम की जगह। अरे मैं नाम तो क्या भैया मैं तो अनपढ़ हूँ अंगूठा छापूँ। मोदी को देखना चाह रहे हो या राहुल गांधी? अरे मोदी जी वहाँ बढ़िया होगा हमारे लिए तो। मेरे साथ और भी लोग हैं और युवा साथी हैं इनसे भी जानूंगा क्या भैया आपका क्या नाम है? मेरा गोविंद। गोविंद भाई इस बार प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या खूबी है? राहुल गांधी भी तो है। राहुल गांधी अभी वो नेता बनने लगा ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? वो उनमें कोई मतलब कोई खूबी नहीं दिखती मुझे। अच्छा जो प्रधानमंत्री बनने लगा भी वो सभासद भी नहीं बन सकते हैं। अच्छा सभासद भी नहीं बन सकते? उनकी बात करने का टॉपिक ही अलग रहता है। हाँ बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आपको पक्का यकीन है कि इस बार मतलब यार लिखवा लोगे मैं लिख दूँ क्या? अच्छा देखो मेरे साथ और भी लोग हैं इनका आपका क्या नाम है? शिल्पी जी मैं जानूंगा कि इस बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है इस बार प्रधानमंत्री किसको देना चाहती है? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा क्योंकि वो केपेबल ही नहीं है पीएम बनने के लिए तो ऑप्शन में तो नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा सर। हाँ आप युवा हो तो आप और क्या मतलब कि दिख रहा है आपको इन लोगों ने? नहीं अच्छा काम किया है उन्होंने डिजिटल इंडिया में तो बहुत अच्छा काम किया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी तो युवा हैं। नहीं पर राहुल गांधी के अगर आप पिछले जो भी काम देंगे वो युवा मंत्री बन के रहते हैं और अभी तक तो युवा हैं अभी नहीं मतलब क्या एज है उनकी। अच्छा तो मतलब कि आप इस बार मोदी जी को देखना चाहती हैं? जी। मोदी का कौन सा काम अच्छा लगता है? क्योंकि ये काम बेहतर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा काम किया है उन्होंने और डिफेंस पर भी काफी अच्छा काम किया है। बच्चा आरोप लगा रहा है कि भाजपा में बहुत भ्रष्टाचार पनप रहा है। नहीं उतना तो बेरोजगारी तो है लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णतः उस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। यूपी में तो आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कितनी ख़राब सिचुएशन थी और अब कितना अच्छा सिचुएशन हो गया है। योगी जी ने जो इम्प्रूव करी है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में खड़ी हो आपको लगता है कि योगी जी का काम सही बोल रहा है? हाँ बिल्कुल डेवलपमेंट जो 5 साल पहले डेवलपमेंट हमने नहीं देखा था आसपास वो अब दिख रहा है हमें। बेटियों की सुरक्षा कैसी दिख रही है? काफी अच्छी दिख रही है जी। अब आप और मेरे साथ और भी भाई लोग हैं इनसे जानूंगा। भाई आपका क्या नाम है? भैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। अच्छा देखो भाई आपका क्या नाम है? अर्जुन कुशवाहा। अच्छा, किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं इस बार? इस बार मोदी को। मोदी को क्यों? मोदी में ऐसा क्या दिख रहा है आपको? मोदी यानी तरक्की लेके आ रहा है ना देश में इसलिए। तो राहुल गांधी भी तो राहुल गांधी युवा है अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन कर लिया है तो उनसे क्या है मतलब मोदी यानी बहुत देश में यानी तरक्की लेके आ रहा है ना इस बार। मतलब आप पूर्णतः मतलब की अपने मन से कहते हो मतलब मोदी जी आएंगे? मोदी को ही मतलब की इस बार फिरोजाबाद में अक्षय यादव को सपा से उतारा है तो लग नहीं रहा कर पाएंगे? नहीं मोदी यानी अच्छा कर रहा है इसलिए देश में तरक्की भी आ रही है उसके इस हिसाब से।